हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। राजनीतिक विज्ञान में हमारा प्रथम अध्याय प्रारंभ हो चुका है, जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पिछले क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि प्रथम अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रथम अध्याय का संपूर्ण सिलेबस मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया था और मैंने कहा था कि अगले क्लास से मैं प्रथम अध्याय को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू हो जाइए प्रथम अध्याय को पढ़ने के लिए। कॉपी पे नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए और कॉपी में प्रथम अध्याय का शीर्षक दीजिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और प्रथम अध्याय का जो पहला टॉपिक है, नए राष्ट्र की चुनौतियां, वो भी लिखिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको नए राष्ट्र की चुनौती के बारे में समझाऊंगा। नया राष्ट्र, कौन सा नया राष्ट्र? अरे पगला, हमारा प्यारा देश भारत जो आजाद हुआ था 1947 को, डेट 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ था। क्या 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि? बिल्कुल प्यारे बच्चों, हमारा जो देश आजाद हुआ वह 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को ही आजाद हुआ, क्योंकि रात में ही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रेडियो पर यह सूचना देते हैं कि हमारा देश क्या हो चुका है, तो हमारा देश आजाद हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, अध्याय को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक मानचित्र बनाना चाहूंगा और मानचित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप इस बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं तो आपको यकीनन पूरा अध्याय समझ में काफी अच्छे तरीके से आएगा। बस एक सेकंड का समय लूंगा क्योंकि मानचित्र मैं अब बनाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है? तो एक सेकंड में हमारा मानचित्र बन जाएगा। ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे और ऐसे करके यूं हो गया, यूं हो गया। परफेक्ट नहीं बना, खैर कोई बात नहीं। ये तो हमारा हो गया प्यारा देश भारत, और फिर ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ये मेरा हो गया प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो प्यारे बच्चों, हुआ यूं, 1947 से पहले ये जो क्षेत्र है आज का भारत, उस समय का फिर ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। तो 1947 से पहले इन तीनों क्षेत्र को सम्मिलित भाग को कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? ब्रिटिश इंडिया। अब जब कभी भी आपके मन में या कोई आपके सामने शब्द कहे ब्रिटिश इंडिया, तो आपके मन में कौन सा मानचित्र उभरना चाहिए? ये पूरा का पूरा मानचित्र जो वर्तमान में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का, यानी यहां से लेकर के यहां तक के क्षेत्र को हम कहेंगे ब्रिटिश इंडिया। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो इतना भूभाग था हमारे पास, था कि नहीं था? और इस भूभाग पर रहने वाले सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी एक साथ मिलकर ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों को मार भगा दिया। कब भगाया था? तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगा, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, वर्ष हो गया 1947 को, हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ। क्योंकि इसी दिन, इसी समय जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो के माध्यम से हमारे देश भर में यह सूचना दी कि हमारा देश क्या हो गया है, हमारा देश आजाद हो गया है। सभी देशवासी, जैसे ही सूचना मिला सभी देशवासी को, सभी देशवासी झूम उठे, नाचे, गाएं, लड्डू खाएं, लड्डू बांटे और थोड़ा बहुत गम भी मना लिए। थोड़ा बहुत क्या बना लिए? गम। यानी एक तरफ हम खुशी में है, दूसरे तरफ गम में है, गम में भी है, यानी आधा खुश है आधा गम है। अब आप कहिएगा, ये कैसे सर? या तो हम खुश होंगे या तो हम गम में होंगे।
अब दोनों काम कैसे? तो देखिए हुआ ही कुछ ऐसा, क्योंकि यूं तो हमारा देश आजाद हो गया तो आजादी का तो खुशी था, लेकिन आजादी के साथ साथ हमें एक नया पड़ोसी देश भी देखने को मिला। वह पड़ोसी देश कोई और नहीं, हमारे देश से ही विभाजित होकर के बना पाकिस्तान था। खुद को पाकिस्तान कहता था और बताता था, जानता है पाकिस्तान का क्या अर्थ है? अरे पाक बराबर स्थान बराबर पाकिस्तान। पाक का मतलब होता है पवित्र। हम जो देश बनाए हैं वो हमारा पवित्र देश है, ठीक है, समझ गए? पाकिस्तान का क्या अर्थ होता है बच्चों? पवित्र स्थान। आपको लगता है? लगता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो खैर जो भी हो, 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हमारा देश आजाद होता है और आजादी के साथ हमारे देश का विभाजन भी हो जाता है। और ये विभाजन का आधार होता है, विभाजन का आधार होता है धर्म, अर्थात हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था, समझ गए? तो विभाजन के दौरान इस वाले क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है, और ये वाला भी क्षेत्र पाकिस्तान था। अर्थात 1947 में देश का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान को दो भूभाग मिले थे, एक ये भूभाग एक ये भूभाग। ये भूभाग कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, जबकि ये भूभाग कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, समझ गए प्यारे बच्चों? पाकिस्तान को दो भूभाग मिला था, ये पश्चिमी पाकिस्तान ये पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान ही आगे चल करके बांग्लादेश बनता है, समझ गए? इतना तो अच्छे से समझ में आया होगा। आया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि जी सर मुझे समझ में आया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हमारा प्यारा देश भारत आजाद हो गया, अंग्रेज जब मुंह लटका करके अपना देश लौट रहा था तो अंग्रेज गुस्से में कमेंट करता है, क्या करता है? देखो भारत, तुम तो आजाद हो गए हो, लेकिन जान लो यूरोप देखा है, यूरोप महादेश, यूरोप महादेश में जैसे छोटा 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 देश है, वैसे ही एक दिन तुम टूट जाओगे। तुम इतने से बड़े भूभाग देश को चला नहीं पाओगे, क्योंकि अभी ही ये हाल है, अभी हम तुमको आजाद हुए, खुद झगड़ा करके अलग हो गए धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। और जो तुम्हारे पास भूभाग बचा है, इस भूभाग में भी जान लो विविधता पसरा हुआ है, और वो विविधता हर एक चीज में है। अरे भाषा का बात करेगा, इधर वाला कोना बोलता है बिहारी यानी हिंदी, बिहारी में देख लो कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी, कोई मगही, कोई ठेठी, कोई मैथिली, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, भाषा में विविधता है, धर्म में भी विविधता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई पारसी है, पहनावा में भी विविधता है, कोई साड़ी पहनती है, कोई सूट पटियाला पहनती है, कोई घाघरा और चोली पहनती है, कोई बुरखा पहनती है, जेंट्स की बात करें कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई लुंगी कुर्ता पहनता है, कोई जींस पैंट पहनता है। संस्कृति की बात करें, कोई छठ मनाता है तो कोई दुर्गा पूजा, कोई पोंगल तो कोई मुहर्रम, कोई क्रिसमस। इतना विविधता है बाबू, इतना विविधता है कि हमको नहीं लगता है कि तुम आगे चल पाओगे। ये सुन करके हमारे प्रधानमंत्री का दिल तो पिघल जाता है, दहल जाता है। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री वो बोलते हैं, सुनो अंग्रेज, हमारे देश में जान लो विविधता है, लेकिन उस विविधता में एकता है, और ये जो एकता है भाईचारे की एकता है, अदृश्य बंधन है, जैसे तुम देख नहीं सकते हो, सच्चा देशभक्त ही देख सकता है। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
अनेकता में एकता की विशेषता बतलाए। ठीक है, खैर जो भी हो, इस प्रकार से कमेंट मार के अंग्रेज अपना चला गया। हमारे देश के सामने सबसे बड़ा चुनौती यह हो गया, अब जो देश है, देश को तो मैंने आजाद कर लिया, लेकिन अब हम देश को आखिर कैसे चलाएंगे, किस प्रकार का शासन व्यवस्था रहेगा, क्या राजतंत्र रहेगा कि भाई गणतंत्र रहेगा। राजतंत्र शासन व्यवस्था में क्या होता है, देश का प्रधान राजा होता है, और राजा कैसा होता है, क्रूर भी हो सकता है, निर्दयी भी हो सकता है, और राजतंत्र में राजे का बेटा राजा बनता है, चाहे वो अनड़ा हो, डुलला हो, करड़ा हो, राजे का बेटा राजे बनता है। तो क्या भारत राजतंत्र को स्वीकार करेगा? नहीं। जैसे जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था, उसी समय यह तय हो गया था कि भारत में राजतंत्र नहीं आएगा, तो क्या आएगा? तो गणतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा। सर ये गणतंत्र क्या होता है, ये लोकतंत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, गणतंत्र को ही कहते हैं प्रजातंत्र, प्रजातंत्र को ही कहते हैं लोकतंत्र, और इसी को कहा जाता है जनता सर्वोपरि होती है, जनता ही सरकार को चुनेगी, जनता ही सरकार को गद्दी पर बैठाएगी। इस शासन व्यवस्था को हम कहेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र को ही क्या बोलेंगे, प्रजातंत्र, गणतंत्र। बतौर भारत जब आजाद हुआ तो नाम भी लिखाया, भारत का ओरिजिनल नाम क्या, पूरा नाम क्या जानते हैं? सुनो, भारत का नाम है भारत गणराज्य, भारत गणराज्य, अर्थात भारत क्या है, गणराज्य है, मतलब लोकतंत्र है, गणतंत्र है, यहां जनता ही सर्वोपरि है। तो हमारे सामने ये सबसे बड़ा समस्या आया कि हम तो आजाद हो गए, हम क्या हो गए प्यारे बच्चों, आजाद हो गए, लेकिन आजादी के साथ साथ अब जैसे ही हम आजाद हुए, हमारा देश में उस समय इतना समस्या था जिसका वर्णन करना काफी ज्यादा दुर्लभ हो जाता है। जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ, उस समय भुखमरी का स्थिति था, गरीबी का स्थिति था, बेरोजगारी का स्थिति था, ऊपर से हर क्षेत्र आजाद होना चाहता था, ऊपर से हमारे पास कोई लोकतंत्र, कोई संविधान नहीं था कि हम किस प्रकार से देश को चलाएं, किस प्रकार सभी तबकों को विकास कर पाए। अर्थात आजादी के बाद हमारे पास चुनौती ही चुनौती था। ऐसा चुनौती हमको नहीं लगता है कि जो देश आजाद हुआ होगा इस पूरे दुनिया में, इतना चुनौती कोई दूसरा देश झेला होगा जितना भारत ने झेला है। समझ गए साथियों? तो होने के लिए हम तो आजाद हो गए, जैसे मैं आजाद हो गया, अब मैं सड़क पर घूम रहा हूँ, मजा आ रहा है, घूम रहा हूँ, और किसी का घर देखे और तुरी के बड़ा बेजोड़ घर है, और ढेपा लिए और शीशा को उसको मैंने फोड़ दिया। अब उस घर वाला पूछे काहे शीशा फोड़ा, मैंने कहा मैं तो आजाद हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरा मन क्या, मैंने शीशा फोड़ दिया, तो ये तो बड़का समस्या हो गया। ऐसे में देश चलेगा साथियों? चलेगा नहीं ना चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए देश को चलाने के लिए हमें चाहिए था नियम। क्या चाहिए था? नियम, अर्थात ऐसा नियम जिससे हमारा देश सुचारू रूप से चल सके, शासन व्यवस्था स्थापित हो सके, सभी का शक्ति विभाजित हो सके, नागरिक का क्या अधिकार होना चाहिए वो पता हो सके, कितना अधिकार है। तो इसलिए हमारे देश में समस्या तो ढेर सारा था, चुनौती तो ढेर सारा था, लेकिन इन चुनौती में देखिएगा, तीन को ऐसा चुनौती था, बदमाश टाइप का ये तीन को चुनौती, यदि इस तीनों चुनौती को जल्द से जल्द समाधान नहीं किया जाएगा तो हमारा देश टूट जाता। जो अंग्रेज बोला था ना कि तुम टूट जाओगे,
एक तोड़ पे देखिएगा, वो देख करके ही बोला था कि हाँ सच में देश टूट जाएगा। तो हमारे सामने आजादी के बाद तीन ऐसा चुनौती था, यदि उस चुनौती को जल्द से जल्द समाधान नहीं किया जाए, उस समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो हो सकता था हमारा प्यारा देश भारत विविधता के कारण और भागों में टूट जाता। अब आप कहिएगा सर ये तीन चुनौती कौन? तो सबसे पहला चुनौती है एकता, कि हम कैसे हम अपने देश में एकता को स्थापित कर सके, क्योंकि हमारा जो देश है कोई महादेश से कम नहीं है। अरे जिस प्रकार महादेश में अनेक धर्मों का लोग रहता है, अनेक संस्कृति का लोग रहता है, अनेक भाषाई का लोग रहता है, यहां तो हमारा देश में ही अनेक धर्म का लोग है, अनेक भाषाई लोग है, यानी अलग अलग भाषा बोलता है। राज्य को गोली मारिए, खाली बिहार को देखिए, कोई मैथिली बोलता है, कोई ठेठी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अंगिका बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। बोलने में भी विविधता है, पहनने में भी विविधता है, धर्म में भी विविधता है, जाति में भी विविधता है, खाली विविधता विविधता है। तो लोग इस विविधता के कारण क्या हो सकता था कि यदि लोगों को एकता के सूत्र में हम नहीं जोड़ते तो लोग कहता मैं सिख हूं, मुझे अलग राज्य चाहिए, सिखिस्तान। और मांग आया भी था, गूंजा भी था, सिखिस्तान नाम का। ठीक है, तो कैसे हम अपने देश को एकता के सूत्र में जोड़े और लोगों को कैसे बताएं, अरे भाई तुम बिहारी नहीं हो, सबसे पहले तुम सबसे पहले यदि कुछ हो तो तुम भारतीय हो, सबसे पहले देश ऊपर, सबसे पहले तुम हिंदुस्तानी हो, उसके बाद ही तुम बिहारी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, सबसे पहले देश ऊपर, सबसे पहले तुम हो क्या हो, हिंदुस्तानी, उसके बाद ही तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो इस प्रकार से हमारे सामने यह पहला चुनौती था कि किस प्रकार हम देशवासी को एकजुट कर सके, एक बंधन में जोड़ सके, भाईचारे के बंधन में जोड़ सके। इसलिए आपके एग्जाम में प्रश्न आता है विविधता में एकता है स्पष्ट करिए, आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो देश है कोई महादेश से कम नहीं है, इतना विविधता पसरा हुआ है, फिर भी हम लोग आज देखिएगा खुशी खुशी रहते हैं, एक भाईचारे की तरह रहते हैं। इसलिए हमारे पंडित, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या खूब कहा है, हमारे देश में विविधता में एकता है। अर्थात विविधता में एकता की विशेषता कौन बताया? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बताया। तो ये प्यारे बच्चों पहला चुनौती था, ये जो चुनौती था ये पहला चुनौती था, यानी तीन चुनौती में पहला चुनौती यह था कि हम किस प्रकार देश में एकता को कायम करें। दूसरा चुनौती था, अब एकता तो कायम हो गया, अब हमको देश को चलाना है, देश को चलाने के लिए हमको चाहिए नियम, किस प्रकार का? लोकतांत्रिक नियम, अर्थात एक ऐसे संविधान का जो सभी धर्मों को समान रूप से देखे, सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान करे, अर्थात कोई मतभेद ना करे, अर्थात ऐसे लोकतंत्र को स्थापित करना था जिससे हमारा देश क्या कर सके, तो प्यारे बच्चों विकास कर सके। ऐसा लोकतंत्र जो बिना कोई मतभेद के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या जैन हो, कोई लेना देना नहीं, तुम भारतीय हो यही बहुत बड़ा बात है, तुमको हर वो राइट मिलेगा। आज देखिएगा धर्म के आधार पर क्या कोई भेदभाव भारत में होता है? नहीं। क्या हमारे देश का कोई मुख्य धर्म है? नहीं। हमारा देश कौन सा, हमारा जो देश है धर्म निरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों को समान अवसर देता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से ही देखता है, चाहे हिंदू हो या सिख हो। ये दूसरा चुनौती था कि किस प्रकार हम ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करें जिससे सभी तबका के लोग, सभी धर्मों के लोग उस संविधान को माने। यदि मान लो कि संविधान में हम हिंदू को ज्यादा महत्व दे देते हैं, क्योंकि देश में अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी,
यदि हम हिंदू को अधिकांश महत्व दे सकते, यदि दे दिए तो हो सकता है सिख कहेगा हमको ज्यादा महत्व नहीं दिया, अब हम भारत में नहीं रहने जाओ, अब हम बनाएंगे सिखिस्तान। टूटेगा, अवश्य टूटेगा। जो शेष मुस्लिम है वो भी आंदोलन छेड़ देंगे। तो इसलिए भारत ने धर्म निरपेक्ष को अपनाया। ये हो गया दूसरा चुनौती। तो दूसरा चुनौती क्या था पहले बच्चों, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। अब जो तीसरा जो चुनौती निकल करके आता है, तीसरा चुनौती है एक ऐसे विकास की जिससे समूचे तबके का विकास हो, अर्थात ऐसा विकास करना जिससे समूचे तबके यानी हर एक समुदाय का विकास हो सके। इसके लिए जो अल्पसंख्यक थे उनको विशेष प्रधानता दी गई, उनको विशेष प्रधानता दी गई जिससे हर एक लोग क्या कर सके, तो पैर बच्चों विकास कर सके। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात तीन चुनौती ने सर उठाया और इस चीन चुनौती का समाधान जल्द से जल्द करना था, यदि नहीं होता तो हमारा देश टूट जाता। इसलिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आजादी के बाद किन किन समस्याओं ने सर उठाया, तो आप उत्तर क्या दीजिएगा, आजादी के बाद मुख्य रूप से तीन समस्या ने सर उठाया। पहला एकता कायम करने की चुनौती, दूसरा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, तीसरा एक ऐसे विकास की जिससे समूचे तबके का विकास हो की चुनौती। तीन हो गया साथियों, तो आप लोग कॉपी में नोट करके लिखिएगा। सारा लेक्चर ही सुना दिया, बोर्ड पर तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो देखिए नोट कर लीजिएगा, प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौती, नई राष्ट्र की चुनौती में कितना चुनौती आया, तो प्यारे बच्चों तीन चुनौती। सबसे पहला चुनौती एकता, एकता कायम करने की चुनौती, दूसरा लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, तीसरा ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का क्या हो सके, तो प्यारे बच्चों भला हो सके। तो यहां पर आपका जो पहला जो पॉइंट है नई राष्ट्र की चुनौती, यह आपको समाप्त हो जाता है। ये जो पॉइंट है ये आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, ठीक है, वो पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इनसे क्या क्या प्रश्न बनता है, थोड़ा सा मैं प्रश्न उत्तर भी तो आपको करा दूं। सबसे पहले मैं लघु प्रश्न लूंगा और ये ब्रिटिश इंडिया का मानचित्र में बिठाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न निकलता है विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। काफी MBBI आपका क्वेश्चन है, हमेशा से प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, आप उत्तर दीजिएगा हमारा प्यारा देश भारत किसी महादेश से कम नहीं है, हमारे देश में अनेक जातियों भाषाइयों संस्कृति धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी भारतवासी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, भाईचारे के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में भले ही विविधता है लेकिन इस विविधता में एकता है, अर्थात हम कह सकते हैं हमारे देश में विविधता में भी एकता है। तो यह आपका क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये प्रश्न कहां से निकलता है, तो इसी पॉइंट से ही आपको निकलता है। दूसरा जो प्रश्न आपको निकलेगा, स्वतंत्रता के पश्चात किन किन समस्याओं ने सर उठाया, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया पहले बच्चों, आजादी, ठीक है। तो आजादी के बाद किन किन समस्याओं ने सर उठाया, तो सर तो बहुत समस्या ने उठाया, गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का, लेकिन भुखमरी
उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट एकता था, क्योंकि एकता को समाधान नहीं किया जाता तो देश ही टूट जाता। तो इसलिए आजादी के बाद मुख्य रूप से देश भर में तीन चुनौतियों ने सर उठाया। कितने चुनौती ने सर उठाया? तीन। पहला है एकता कायम करने की चुनौती, दूसरा हो जाएगा लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, तीसरा हो जाएगा ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो सके। समझ गए प्यारे बच्चों? तो मुख्य रूप से मैंने तो मुख्य रूप से लघु में कितना प्रश्न आपको निकला? दो प्रश्न, मेन प्रश्न आपको निकला दो। ठीक है, वस्तुनिष्ठ की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो प्रश्न पूछा जाएगा विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने बताई। ठीक है, समझ गए? तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बड़ा ही मजेदार होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र 1500 रुपया लगेगा। सभी विषय मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊंगा, लाइव क्लास रहेगा, लाइव क्लास छूट जाता है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लेक्चर का पीडीएफ भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर को भी समझाऊंगा, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी मिलेगा, लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ तीनों रहेगा, तीनों में एमवीवीआई वीवीआई भी चिन्हित हम आपको कर देंगे। रविवार को लाइव डाउट भी आपको लिया जाएगा, जो भी डाउट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त किया जाएगा और ई बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी सारा का सारा किताब भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड कोर्स में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ज्यादा सोचिए नहीं, फटाफट कॉल करिए और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद।